हेलो गाइस, वेलकम टू चॉकबोर्ड IAS। और आज हम यहाँ पर एंशंट हिस्ट्री का लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक काल, या फिर हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं वैदिक एज। इसका हम पहला पार्ट आज हम करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, वो हम आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया? तो गोल्ड कॉइन्स, पंच्ड मार्क, सिल्वर कॉइन्स, आयरन प्लो या अर्बन कल्चर, इनमें से सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा आया, तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। हम सबको पता है कि अर्बन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान आ चुका था, आयरन प्लो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आया, और प्लो तो हालांकि आ चुका था लेकिन आयरन का इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंत तक आया। उसके बाद हमारे पंच्ड मार्क सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर की खोज हुई और फिर उसके बाद गोल्ड की खोज हुई। तो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा 4-3-2-1। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड सीज एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर? इनमें से कौन से एनिमल्स हड़प्पन कल्चर की सील्स में नहीं पाए गए हैं? काउ, एलिफेंट, राइनोसरस या फिर टाइगर? तो इसमें एलिफेंट, राइनोसरस और टाइगर को तो वो जानते थे, लेकिन काउ, हॉर्स और लायन इनको वो नहीं जानते थे, इसलिए इनकी सील्स इनमें कहीं नहीं पाई गई हैं। लेकिन एक जानवर है यूनिकॉर्न, जो इमेजिनरी है, इसके बारे में काफी सुना गया है, इसकी सील्स काफी पाई गई हैं। ये एक वन हॉर्न हॉर्स था, एक इमेजिनरी क्रीचर से हम कह सकते हैं, तो वो इनकी सील्स में पाया गया है। अगला हम देखते हैं, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो लोथल जो था वो डॉकयार्ड था, लोथल जो था वो डॉकयार्ड था। कालीबंगन में प्लो फील्ड मिली थी हमारे को, हमने पिछले लेक्चर में देखा भी था। ढोलावीरा में इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ 10 लार्ज साइज हरप्पन स्क्रिप्ट, ये मिला था हमारे को। और बनावली में टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लो, तो इसका आंसर होगा बी। आगे हम देखते हैं, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर्ड द फॉलोइंग statements. It was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. Dusra, during this period, cotton was used for manufacturing textile in India. Ab cotton, to aapko pata hoga, ye Mehrgarh mein mili thi hamare ko. Aur ye kareeb 8000 BCE se start ho gayi. तो इसका मतलब कि ये तो सही है। दूसरा, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन। हमने एक चीज मैंने आपको बताई थी कि वहां पर मदर गॉडेस और प्रीस्ट किंग मिले थे, और कई अलग अलग जानवर भी थे जिनकी वो पूजा करते थे, तो वो सेक्युलर तो था क्योंकि प्रीस्ट किंग मिले थे हमारे को, मदर गॉडेस का स्टैच्यू मिला था, और एनिमल्स की भी वो पूजा करते थे, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका बोथ 1 और 2। और लास्ट हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर साइजेस या कैरेक्टर साइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। तो हॉर्स तो पहले वो जानते ही नहीं थे, और वो लोग काफी पीस लविंग थे, वो लोग वॉर वगैरह में कभी बिलीव करते नहीं थे, ना उनके यहाँ से कभी कुछ वॉरफेयर का कोई सामान मिला है हमारे को, तो ये तो गलत हो जाता है। अब हम देखते हैं, ग्रेट प्लेसेस एंड टेम्पल्स, तो वो लोग बिल्कुल सिंपल हाउसेस में रहते थे, तो पैलेस और टेम्पल्स भी नहीं देखे गए हैं। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज, अभी मैंने आपको बताया कि वो प्रीस्ट किंग और मदर गॉडेस इन दोनों की वो पूजा करते थे, तो ये सही हो गया, तो इसका आंसर 2 है। अब हम देखते हैं आज का लेक्चर जो है वैदिक काल या वैदिक एज। तो हम देखते हैं वैदिक
एट के बारे में। सबसे पहले हम इनके सोर्सेस के बारे में पता करेंगे कि हमारे को कौन से सोर्सेस से इस एज के बारे में पता चला है। तो पहले तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स से हमारे को पता चला है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि वहां की पॉटरी मिली हमारे को और प्लांट रिमेन्स मिले हैं जो उस काल के बताए जाते हैं। प्लांट रिमेन्स से हमारे को वहां के सीड्स और एग्रीकल्चर के बारे में पता चल सकता है। आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब के बारे में बताया था। और मेटल ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। तो देखिए आप मेटल आ चुका था, मतलब कि आयरन, ज्यादातर आयरन का यूज होता था, तो आयरन की खोज हो चुकी थी इससे बाद तक। फिर दूसरा सोर्स और काफी इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स वैदिक एज का जो था वो थी वैदिक लिटरेचर। ये पहले तो ओरल होती थी, ये पहले रिटेन में नहीं थी। अभी हम आगे देखेंगे सोर्सेस के बाद किस तरीके से लिटरेचर के बारे में। तो दो सोर्सेस थे, एक तो वैदिक लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आईवीसी के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, यहां पर कल्चरल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजिकल आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपेंशन हो गया था। तो एक्सपेंशन इन ऑल सेक्टर्स लाइक कल्चरल एग्रीकल्चरल आर्ट एंड क्राफ्ट इवन टेक्नोलॉजी, जो हम आयरन की खोज जैसे कहते हैं, तो आयरन की भी खोज इस काल में लगभग हुई थी। अब हम आगे देखते हैं लिटरेचर, जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो ये जो लिटरेचर थी, इसकी जो लैंग्वेज थी वो थी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में थी और ये ज्यादातर उस जमाने में मेमोराइज्ड होती थी, मेमोराइज की जाती थी, याद की जाती थी। ये कोई लिखी नहीं जाती थी, क्योंकि उस वक्त कागज तो था ही नहीं, तो लिखने का तो कोई जरिया था ही नहीं। और इसको सबसे पहले लिखा गया है टेंथ और इलेवेंथ सेंचुरी सीई में, मतलब एडी जिसे हम कहते हैं। तो ये लगभग इस काल में लिखी गई थी और ये अर्लीएस्ट रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हैं। ये सिर्फ ब्राह्मण्स के द्वारा ट्रांसमिट की जाती थी, सिर्फ ब्राह्मण्स ही इसे ट्रांसमिट करते थे। और दूसरे वर्ण जो आपने हम आगे पढ़ेंगे भी उनके बारे में, जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्ण थे जिसमें से सिर्फ ब्राह्मण ही इन्हें ट्रांसमिट करते थे, इन्हें उच्चारण इनका करते थे और दूसरे लोगों को पहुंचाते थे। लिटरेचर से हमारे को वहां की पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में पता चलता है। ये सब हमारे इन सब की हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है। अब हम देखेंगे चारों वेद के बारे में। वैदिक काल के चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद ओल्डेस्ट हैं, सबसे पुराने, लगभग 1500 से 1000 BCE के, और यजुर् सामवेद लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। ये अर्ली वैदिक पीरियड में आते हैं, हम आगे देखेंगे अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड। अभी आप या देख लीजिए बस, अर्ली वैदिक पीरियड में और ये लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। सामवेद में ज्यादातर म्यूजिकल नोट्स हैं और यही हमारे इंडियन म्यूजिक का आधार बने। यजुर्वेद में ज्यादातर कर्मकांड के बारे में बताया गया है, रिचुअल्स एंड हिम्स।
मंत्र और कर्मकांड इन सब के बारे में व्याख्या की गई है, और अथर्ववेद में चार्म्स एंड मैजिकल स्पेल्स, जो जादू टोना होता है, उन सब के बारे में बात की गई है। जादू टोना, वशीकरण, इन सब से रिलेटेड चीजें होती हैं, उन सब के बारे में इसमें लिखा गया है। अब हम देखते हैं वैदिक एज में भी इसमें और भी कई लिटरेचर थी, जैसे कि संहिता। संहिता ज्यादातर वैदिक हिम का कलेक्शन था, और ये हमारे को उन मंत्रों के सोशल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस बताते थे कि उन मंत्र की असल जिंदगी में क्या महत्व है उन मंत्रों का। तो ये हमारे को सोशल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल्स बताते थे। तो ये संहितास थी। संहिता के अंदर आते थे ब्राह्मणास। ब्राह्मणा जनरली कमेंट्रीज होती थी हिम्स और रिचुअल्स की, उनकी उनके ऊपर कुछ बातें और दूसरे लोगों ने कही हो उन मंत्रों के ऊपर, तो वो सब इसमें कलेक्ट होती थी, वो सब इसमें कलेक्ट होती थी। ब्राह्मणास के अंदर दो और उनके डिवीजन थे, अरंक्या और दूसरे थे उपनिषद। अरंक्या जहां मेनली मिस्टिकल रिचुअल्स होते थे, जो कुछ सीक्रेट कर्मकांड होते थे ये, और इन्हें सिर्फ साधु होते हैं, जो साधु संत जो जंगलों में रहते हैं वही इन्हें करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट था कि ये जो कर्मकांड हैं वो सिर्फ वही कर सकते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। और जो उपनिषद हैं वो इन सब वेदों की फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज हैं, मतलब ये सब उपनिषद हमारे को एक रैशनल थिंकिंग, एक लॉजिकल थिंकिंग बताते हैं उन रिचुअल्स की, उन कर्मकांड की। इसी काल के आसपास जो हम आज का इराक और ईरान देखते हैं, उस जमाने में वो बैक्ट्रिया होता था, बैक्ट्रिया कहा जाता था, बैक्ट्रिया और मेसोपोटामिया। इस रीजन में ज़ोरोस्ट्रियनिज्म का चलन था, जिनको हम देखते हैं जो पारसीज हैं, वो उन सब का रिलीजन जो है वो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म है। तो वहां पर ये ज़ोरोस्ट्रियनिज्म शुरू हो गया था। इनकी एक रिलीजियस बुक है जिसका नाम है ज़ेंड अवेस्टा। ये हमारे को लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी देती हैं वेदास से, जो वेद जिस भाषा में उच्चारण किए जाते थे लगभग उसी भाषा में ये ज़ेंड अवेस्टा भी बोली गई है। इसलिए ये एक इनडायरेक्ट सोर्स है ये पता लगाने का कि जो आर्यंस हैं, आर्यंस मतलब कि एक स्पीच ग्रुप जो हम अभी आगे देखेंगे, जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो सेम है। लैंग्वेज मोस्टली सेम थी। तो ये एक इनडायरेक्ट सोर्स, या हम इसे एविडेंस भी बोल सकते हैं, इस किताब से हमारे को वो पता चलता है, ज़ेंड अवेस्टा। अब हम देखेंगे आर्यंस के बारे में। आर्यंस, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, एक स्पीच ग्रुप था। ये अपने आप को आर्यंस कहते थे क्योंकि ये एक ही तरह की भाषा बोलते थे। आर्यंस की रिसर्च की शुरुआत हमारे भारत में ब्रिटिश काल में हुई, ब्रिटिश एरा में, क्योंकि ये बिलीव करते थे ब्रिटिशर्स के जो आर्यंस हैं वो उन्हीं की ज्योग्राफिकल एरिया से आए हैं, तो वो काफी एक्साइटेड थे रिसर्च को लेकर। और अगर आप देखें तो ये काफी हद तक बिलीव करते थे कि इनके कनेक्शंस आर्यंस के साथ हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आपने
एडोल्फ हिटलर की आर्मी नाजी के बारे में सुना हो, वर्ल्ड वॉर टू में नाजी का जो सिंबल था वो था स्वास्तिक, और स्वास्तिक आर्यंस का भी सिंबल है। स्वास्तिक आपने अगर देखा हो तो कुछ इस प्रकार का होता है, तो इसीलिए वो अपने आप को आर्यन से कनेक्टेड मानते थे। एक एक्सेप्टेड एरिया आर्यंस का कि जहां से वो आए थे वो था सेंट्रल एशिया, जो नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी, ये एक एक्सेप्टेड एरिया है जहां से लगता है कि ये लोग आए थे। और भी प्रिडिक्टेड एरियाज हैं और जो हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जेंड अवेस्टा एक किताब थी, उससे हमारे को थोड़ा लगा है कि ये बैक्टीरिया से आ सकते हैं। बैक्टीरिया उस समय का इराक था, बैक्टीरिया या सीरिया, इराक, यहां पर हमारे को एक्चुअली इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जो सिमिलर टू वैदिक गॉड्स हैं, बट इस तरीके के गॉड्स इंडिया में नहीं पाए गए, इसलिए हमारे को ये पुख्ता सबूत नहीं है, हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है इसके कि ये बैक्टीरिया या सीरिया या इराक से ही आए थे। अब हम इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इन लोगों को हॉर्सेस पता थे, ये हॉर्सेस जानते थे घोड़ों को, ये रथ बनाना जानते थे, इनको रथ पता थे बनाने, चैरियट्स, और इनको बो एंड एरो भी आते थे बनाने, बो एंड एरो भी बनाने और चलाने आते थे। हमने वेदों में अश्व के बारे में पढ़ा है, इसलिए हमारे को पता चला है कि हॉर्स को जानते थे। अश्व मतलब घोड़ा होता है, और वृषभ जो होता है बुल, इन दोनों के बारे में व्याख्या की गई है। टाइगर और राइनो इन्हें नहीं पता थे, राइनोसेरोस जिसे हम कहते हैं, नॉट नोन, इसलिए नहीं पता था क्योंकि ये ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं और ये तो लगभग लगता है कि सेंट्रल एशिया से ही आए थे, तो इसके बारे में इन्हें पता नहीं होगा। शुरुआत में तो ये सिर्फ संस्कृत ही जानते थे, बट लेटर वैदिक एज में इनको संस्कृत, मुंडा जो बिहार के आसपास की लैंग्वेज उस समय थी, और रेवेडियन, इन सब के बारे में पता चल गया था, तो एक तरीके से इनका कल्चरल मिक्स हो गया था इन लेटर वैदिक एज में। तो ये था आर्यंस के बारे में। हम अगले लेक्चर में देखेंगे वैदिक काल का दूसरा पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे ऋग वैदिक कल्चर को। तब तक के लिए आप क्लास 11th की तमिलनाडु बोर्ड चैप्टर 3 पढ़ लीजिए, बिफोर ऋग वैदिक एज, और हम आगे फिर साइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा था क्योंकि अगला जो लेक्चर है वो पूरा बड़ा रहेगा, इसलिए मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहता था इसके साथ। तो तब तक के लिए आप पढ़िए, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, कमेंट करिए कैसा लगा लेक्चर, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अगला लेक्चर मिस ना करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।